हेलो एवरीवन, स्टडी अबेटा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए यूपी पुलिस 49,500 अड़फट वाली भर्ती को लेकर के रिजल्ट की अपडेट इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और बराबर में जो बेल आइकन घंटी को उसको दबाना मत भूलना, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे तेज मिल सके। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। यूपी पुलिस 49,500 अड़फट वाली भर्ती रिजल्ट अपडेट। 49,500 अड़फट रिजल्ट आज क्यों नहीं आया? आखिर रिजल्ट कब तक आएगा? भर्ती बोर्ड का फैसला मीटिंग के बाद। तो दोस्तों, वीडियो का पूरा लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसका कारण आपके लिए इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलना। यूपी पुलिस 49,500 अड़फट वाली भर्ती एक मजाक बनकर के रह गई है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी आज आफ लगाए बैठे थे कि हमारा रिजल्ट आज देखने को मिलेगा और इसकी खुशखबरी हमें आज देखने को मिलने वाली है। जैसा हमने वीडियो के अंदर बताया था, जैसा हमें पता चला था, वैसे ही हमने अपडेट दी थी। काफ़ी बच्चे परेशान थे कि सर रिजल्ट आज नहीं आएगा, आज बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमने कहा था कि रिजल्ट आज आएगा। हमने इसलिए कहा था कि जो भी हमें अपडेट मिली थी न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी के द्वारा, हमने आपको बता दिया कि रिजल्ट आज तक 100% जारी कर दिया जाएगा। इसमें हमारी क्या गलती है? न्यूज़पेपर ये कार्यक्रम कम से कम देखा होगा, ये जो कार्यक्रम है नवंबर के 1 तारीख से ही यहाँ पर चल रहा है कि रिजल्ट नवंबर के 1st वीक में, रिजल्ट नवंबर के 2nd वीक में, रिजल्ट नवंबर के 3rd वीक में। कम से कम पूरा महीना निकल चुका, आज है 18 तारीख, मानी 18 नवंबर। आज भी रिजल्ट की डेट हो गई कैंसिल। भर्ती बोर्ड आज मीटिंग बुलाई थी, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन आर के विश्वकर्मा जी ने और काफ़ी बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने रिजल्ट को लेकर के काफ़ी फैसले किए होंगे, विचार विमर्श किए होंगे कि रिजल्ट आज जारी किया जाए या नहीं जारी किया जाए। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, समस्याएं थी, इसी वजह से वो रिजल्ट को यहाँ पर जारी नहीं कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं तो आपकी समझ में आएगा। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो ये 18,000 PSC वाले कैंडिडेट्स हैं, यही सबसे बड़े रीज़न हैं। क्योंकि जब तक ये बच्चे नहीं जाएंगे तब तक रिजल्ट ऐसे ही डिले होता रहेगा। अब मीटिंग के अंदर बताया गया है, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि रिजल्ट कल जारी किया जाए, कल जारी हो सकता। वहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये सकता सबसे बड़ा खतरनाक शब्द चल रहा है यूपी पुलिस 49,500 अड़फट वाली भर्ती के अंदर। सकता की जगह संभव हो या जारी हो जाएगा 100%, तो है सकता और संभव, ये दो शब्द अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं इस 49,500 अड़फट वाली भर्ती के अंदर। तो दोस्तों, अब उन्होंने बैठक बुलाई, बैठक करने के बाद मीटिंग चली काफ़ी 2-3 घंटे तक। विमर्श किया उन्होंने कि रिजल्ट को जारी किया जाए नहीं जारी किया जाए, सहमति आखिरकार एंड तक नहीं बन पाई और यही कर दिया कि रिजल्ट अब मंगलवार को जारी हो सकता है। ऐसे ही प्रक्रिया चली आ रही है। ये हमें तो यही लगता है कि ये पूरा महीना ही ऐसे ही गायब होगा। जब तक ये 18,000 PSC वाले कैंडिडेट JTC को नहीं चले जाएंगे, तब तक मुझे तो लगता है कि ऐसे ही प्रक्रिया चलेगी। यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है रिजल्ट ना देने का, क्योंकि भर्ती बोर्ड इस चीज़ को बखूबी जानता है कि इन जो 18,000 PSC वाले कैंडिडेट्स हैं, इनकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब इन्हें ट्रेनिंग पर भेजना, अगर हम अभी रिजल्ट को जारी कर देते हैं तो कम से कम जो इसमें से समझदार बच्चे होंगे, यानी कि 1,000 करीब मैं मानता हूँ समझदार ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं जाएंगे, बाकी एक भी बच्चा 90% नहीं मानेगा। और जिसके मार्क्स अच्छे होंगे वो फिजिकल देने जाएगा। जब वो फिजिकल देने जाएगा भाई, तो फिर वो वहाँ का क्या क्या करेगा? उसमें PSC में जाके वो तो सिविल की ही नौकरी चाहेगा, फिर वो इसको भी छोड़ सकता है। जो समझदार होंगे, करीबन करीब जो रह जाएंगे 10% बच्चे, तो वो ही बच्चे यहाँ पर ऐसा होगा कि PSC में जा सकते हैं। और इस चीज़ से भर्ती बोर्ड को बहुत बड़ा झटका लगेगा
और झटका ले ऐसा लगेगा कि ये सीट यहाँ पर खाली चली जाएंगी और जो भी बच्चे यहाँ पर बेचारे होंगे उनके नंबर आए होंगे वो यहाँ पर बिल्कुल ही रोते हुए रह जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे वहाँ पर सिलेक्शन ले लेंगे और जिनके नंबर कम हैं वो यहाँ पर रह जाएंगे। यही भर्ती बोर्ड इस चीज़ को सोच करके सबसे बड़ा दिमाग में चल रहा है, क्योंकि स्टडी है बेटा आपको सत्य से रूबरू कराता है, विद एक्सप्लेन के समझाता है, फिर भी बच्चों के समझ में नहीं आता। मूर्खता बारे वही कमेंट करते हैं दोस्तों, इसलिए तो हम रिप्ले नहीं देते हैं। जब तक बच्चे इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि स्टडी अप बेटा चैनल एक ऐसा चैनल है जो सत्य से रूबरू कराता है, सही इन्फॉर्मेशन देता है, फिर भी उनको लगता है कि गलती है। अरे भाई हमारी इसमें क्या गलती है, जो न्यूज़पेपर बता रहा है, भर्ती बोर्ड ही बता रहा है, उसकी मर्जी वो रिजल्ट कब जारी करे, तुम क्या कर लोगे? तुम चाहे 1 साल और बीत चुकी है, 2 साल और बिता देगा, फिर भी रिजल्ट नहीं जारी किया करेगा, तुम धरना प्रदर्शन करोगे और रिजल्ट लेट होगा। तो भाई सब्र बना के रखिए, इन पीएससी वालों की लूट कटने दीजिए, रिजल्ट हम तो चाहते हैं कि 1 महीने बाद और आए तो और भी बहुत ही बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब मैं दोस्तों आपके लिए एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। तो दोस्तों ये तो सबने मैंने आपके लिए दिखाई दी देख लिया होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट अब मंगलवार को जारी हो सकता है। कोई भी संभावना नहीं है कि हो या ना हो, दोनों बात गारंटी है, मैं इस चीज़ को नहीं क्लियर करता। सोमवार को शाम को उत्तर प्रदेश भर्ती प्रवृत्ति बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में बोर्ड के चेयरमैन आर के विश्वकर्मा के साथ ही अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं बातचीत हुई पर रिजल्ट घोषणा पर सहमति नहीं बन पाई। अब कल रिजल्ट घोषित करने की उम्मीद जताई जा रही है, उम्मीद है, कोई भरोसा नहीं है कि हो या ना। दोस्तों मुझे एक न्यूज़ बहुत ही पसंद आई और ये न्यूज़ में पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ये काफ़ी अच्छा बच्चे ने पोस्ट किया था, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैंने इसको देखा। मैंने कहा कि वीडियो को इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आ रहा है। इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, मुझे पसंद भी आया है। देखिए क्या लिखा है, भाई सब लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मैं 41,520 की रेस से बाहर हूँ। इस बार भी मार्क्स ठीक है, अभी पीछे एडमिट कार्ड भी खुल गया था और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन भाई लोगों एक बात तो बताओ, अगर भर्ती बोर्ड आज ही रिजल्ट दे दे तो क्या फ़ायदा होगा? ज्वाइनिंग 6 महीने से पहले किसी कीमत पे नहीं हो सकती, सब जानते हैं कि। लेकिन भाई नुकसान बहुत बड़ा है, 18,000 पीएससी वाले भी रिजल्ट के इंतजार में हैं और मान लो 18,000 में से 12,000 भी इस बार पास हुए तो ये सब रेस मारने जाएंगे। 100-200 समझदार भाइयों को छोड़ के ये 12,000 जाएंगे, मतलब फाइनल मेरिट में भी कम से कम 10,000 लोग यही होंगे। कुछ कुछ को सिविल मिल जाएगी वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, जिन्हें नहीं मिलेगी वो छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस मतलब स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा और इस वजह से मैंने आप सभी को यहाँ पर साझा किया है कि सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भर्ती बोर्ड मीटिंग पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं फिर भी बात सहमति नहीं बन पा रही है। इन्होंने अब आगे क्या लिखा है कि 10,000 लोग यहीं होंगे और कुछ सिविल मिलेगी वो ज्वाइन कर लेंगे, जिन्हें नहीं मिलेगी वो छोड़ देंगे। और अभी तक 41,520 की खाली सीटों का कुछ नहीं हुआ, इनका पता नहीं फिर क्या होगा। 10,000 सीट भाई बहुत बड़ी संख्या है, ना जाने कितने घरों में खुशी की लहर आएगी। और 10 महीने वेट कर लिया, 1 महीना और आराम से काट लो भाई। भर्ती बोर्ड और अखबारों के ऑफिस को फ़ोन करके क्यों दबाव बना रही हो? ये बात इसने बिल्कुल सही लिखी है कि भाई भर्ती बोर्ड पर इतना दबाव मत बनाओ, 1 महीने का समय और रह गया उसे काट लो, आराम से बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको 49,568 में नौकरी मिल जाएगी। ज़्यादा हलचल करोगे, ज़्यादा फड़फड़ाओगे तो ऐसे ही यहाँ पर कट जाएंगे तुम्हारे। खास साफ साफ मेरा कहना है, स्टडी टैब बेटा में एक ऐसा चैनल है जो सत्य और सटीक कहता है, क्लियर बात स्पष्ट रूप से। माना आप सब लोग बहुत माइंडेड हैं, बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, पर अपने चक्कर में किसी गरीब के पेट पे क्यों लात मारती हो? एग्जाम हुआ है, रिजल्ट तो जरूर आएगा, ये बात हकीकत सत्य है, आएगा 20 दिनों की और बात है।
आगे भाइयों आपकी मर्जी क्या करना है क्या नहीं करना। यही सबसे बड़ा रीजन है 49,568 वाली भर्ती का। यही चीज़ सोच करके रिजल्ट अब तक डिले हो रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड इस सब चीज़ को यहाँ पर जानता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आराम से सोइए, काफ़ी अभ्यर्थी सवेरे से इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट शाम को आएगा। आराम से जाइए, खाना पीना खाइए, मस्त रहिए, चैन से सोइए, रिजल्ट आएगा, दौड़ की तैयारी करते रहें। तो बस इतना ही, समझदारी के लिए इशारा काफ़ी है, क्योंकि जो कुछ भी करना है कमेंट में आप गाली देते रहिए या जिसको जो भी करना है आपकी, आपको तो कितना भी समझा नहीं समझ में आएगी। चाहे कोई सही न्यूज़ दे फिर भी गलत, और गलत देता है वो भी सही। आपकी तो भाई अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं, कुछ नहीं होगा, कितनी भी गाली गुप्ता करते रहो, बस कुछ फ़ायदा होने वाली नहीं, और कुछ भी फायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। भर्ती बोर्ड को 50 वाली दो, चाहे हमें तो तुम देते ही हो, मैं मानता हूँ, कुछ भी फायदा नहीं होगा। सब की माँ बहन एक है, एक नज़रिए से धोखे देखोगे तो वही आपको नज़र आएगा, कोई भी गलत नहीं है। दोस्तों यही मेरा कहना है, दोस्तों वीडियो आएगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो प्यार करते हैं स्टडी अप बीटाम चैनल से, सपोर्ट करते रहे, उनके लिए मैं हमेशा वीडियो लाता रहूँगा, अच्छे से समझाऊँगा, फुल डिटेल के साथ बताऊँगा। जिसको देखना है वो देखिए, जिसका दिमाग, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा दिमाग ख़राब होता है आप वीडियो लाते, भाई हमारी वीडियो से दूर रहिए, जो सही न्यूज़ देता है अदर चैनल पर चले जाइए, आपका दिमाग भी नहीं ख़राब होगा, आप बिल्कुल सही रहोगे। साफ साफ हमारा कहना है, जिसको अच्छा लगता है वो देखिए, जिसको गलत लगता है वो मत देखिए, आपको परेशानी नहीं होगी, हमारा तो भाई साफ साफ कहना है। तो बस इतना ही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, सो जाइए आराम से।